प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भैया पुलिस को फोन करो। अरे बहू, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर चलो हम पकड़ते उनको। लेकिन उनके पास हथियार हो सकते हैं। हाँ बहू, हमें जोश से नहीं होश में रह के चालाकी से इन्हें पकड़ना है। पर कैसे? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। शाबाश बहू। ओके, धीरे 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 चलो। क्या लेके जा रहा है? कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों चल रहा है? मैं ऐसे ही चलता हूँ। देखो पीछे भी ऐसे ही चलते हैं। और छोड़ दो, जोर से पकड़ो।
छूटने जा गई। क्या हो रही है? क्या हो रही है? साहब, ये चंडी गैंग के लोग हैं। और आप लोग? मैं ये दुकान के मालिक की पत्नी हूँ, दया घड़ा। और ये है उनके पिताजी। और मैं हूँ उनका साला। और मैं उनका बेटा। और ये लोग कौन है? ये बोरी हटाओ। देखिए साहब, पक्के बदमाश है। भागता किधर? तुम लोग? अरे तुम्हें तो चड्डी गैंग के आदमी को पकड़वाया था ना? साहब, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं साहब। अच्छा लोग है तो बताओ, हमारा गोडाउन खोल कर टेम्पो में माल क्यों भर रहे थे? ये खरा कहते सांगा ना, तेरे फटके लावना था। नहीं नहीं साहब, साहब हम लोग चड्डी गैंग वाले हैं। देखा देखा। अरे तो फिर वो कौन था जिसे हम पकड़ के लेके गए? वो इस दुकान का मालिक था। मेरा जीजा जी को तूने पकड़ के पुलिस स्टेशन भेज दिया। क्या मतलब, वो सही बोल रहा था? हवलदार भाई, चलिए जल्दी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और टप्पू के पापा को छुड़ाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। मेरा सबसे पहले एलसीडी गोडाउन में रख देते हैं। और लड्डू को फोन करके यहाँ बुला ले ताकि वो गोडाउन संभाल ले। मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो। हेलो नटू काका, आप फटाफट गोडाउन आ जाओ। क्यों? अरे वो कथा मैं बाद में करता हूँ, आप फटाफट गोडाउन आ जाओ। ठीक है अभी पहुँचता हूँ। हाँ जल्दी आओ, चलो इनको लेके अंदर जाते हैं। अरे बापू जी, सेठानी जी, टप्पू सेठ, सुंदर भाई, आप लोग सब यहाँ? और ये लोग कौन है? ये लोग चोर हैं, चोरी करने आए थे। अरे हम लोग यहाँ पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और तुम लोग चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? हवलदार साहब, ये चोरों को इतने फटके मारना कि जिंदगी भर चोरी करना भूल जाए। सेठ जी कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में क्यों? तुम लोगों ने जेठिया को गोडाउन में बंद कर दिया था। मतलब हम लोग जब गोडाउन बंद करके निकले तो सेठ जी गोडाउन में थे? हाँ। अच्छा, इसलिए सेठ जी को पुलिस स्टेशन ले गए? वो क्या हुआ नटू काका? वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शांति से बताऊंगा। अभी हम सब लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, आप गोडाउन संभालो। ओके? हाँ जी। पता नहीं पुलिस स्टेशन में टप्पू के पापा पर क्या बीत रही होगी। पता तो साइन करेगा नहीं। जाओ पहले उसकी साइन लेके आओ, जो मुझ जैसा व्यापारी से हफ्ता वसूलता है। जाओ पहले उसकी साइन लेके आओ, जो सूट पहन के कार की चोरी करता है। दोनों ने साइन कर दी तो वो दो चोर की साइन लेके आओ जो मेरे ही गोडाउन से एलसीडी की चोरी कर रहे थे। कौन से दो चोर? ये लोखंडे साहब को पता है। साहब बताओ कौन से दो चोर? ए चुप कर तू, तू ही चोर है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मेरे ही गोडाउन में से मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? जब इस देश के करोड़पति नेता इस देश को लूट सकते हैं तो तू भी अपनी दुकान को लूट सकता है, समझा? फोन है आप। हेलो। हाँ लोखंडे। हाँ चालू पांडे जी। वो जो भारत बैंक रॉबी केस वाला छोटा पकिया था ना? हाँ। उसकी खबर मिल गई है, वो कल सुबह अंधेरी रेलवे स्टेशन पर आ रहा है। थैंक यू सर, मैं कल सुबह ही जाल बिछा देता हूँ। गुड। एक मिनट, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी का फोन है। हाँ। वो मुझे जानते हैं, एक मिनट मेरी बात करें ना प्लीज। अरे लोखंडे, कौन मेरा नाम ले रहा है उधर? एक मिनट पांडे जी, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। हेलो हेलो हेलो
चालू पांडे जी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन? मैं जटालाल घड़ा, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ कार चोर। अरे चालू पांडे जी, आपको मालूम है कार चोरी का तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा था, बाकी मैं तो घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। जानता हूँ जानता हूँ। और तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी फैमिली यहाँ ढूंढने आएगी तुमको। अच्छा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ पांडे जी। हाँ समझा। वो आयू अब ये लोखंडे साहब ने मेरे ही गोडाउन से चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया है। जरा आप इनको बताइए कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैं। लोखंडे, आपको बुला रहे? जी पांडे जी, छोड़ दे इसको, यही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है भाई। ओ नो, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। एक मिनट, फोन। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। आपको कभी भी LCD, TV, फ्रिज कुछ भी चाहिए तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आना और जो मॉडल पसंद है वो ले जाना सर। चालू पांडे को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? नहीं, अरे रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेंगे। तू मुझसे पैसे लेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोगों का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कभी भी आप उधर से निकलो तो चाय पानी तो पीने के लिए आ सकते हैं ना? हाँ आऊंगा। बाय बाय। ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, गलती किससे नहीं होती, आप भी आखिर इंसान ही है ना। अभी तो आपको पता चल गया ना कि चोर वो दोनों थे जो केमिस्ट की दुकान ढूंढ रहे थे। हाँ सॉरी, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको फोन करेंगे, तो आप आ जाना ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं हाजिर हो जाऊंगा इधर। तो साहब मैं वो LCD भी अभी साथ में लेके जा सकता हूँ ना? नहीं, उसका थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, आप जब भी बोलेंगे तभी लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं निकलूं? हाँ बिल्कुल। जरा ये मैं खोल लूं, ये लीजिए। थैंक यू लोखंडे साहब। एक बात बोलो। हाँ बोलो। आप भी डे, पांडे जी भी डे, मतलब लोखंडे पांडे, दोनों डे होने के बावजूद नाइट में ड्यूटी करते हैं। फिर से अंदर कर दूं? गायकवाड़ जी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या सर? ये चड्डी गैंग वाले हमें बेवकूफ बना गए, कुछ भी करके इस चड्डी गैंग को पकड़ना ही पड़ेगा। यस सर। जल्दी हो गया आपका? चलो चलो भाई, एक मिनट, गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव, जल्दी लो। गायकवाड़ जी सर, ये लो। गायकवाड़, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। क्या सर? अगर हम चड्डी गैंग को पकड़ लेते तो हमारा प्रमोशन हो जाता। सर कहीं अब डिमोशन तो नहीं होगा ना? क्यों सर, कहीं दुकान के मालिक ने कंप्लेन कर दी तो? नहीं, हम उससे माफी मांग चुके हैं। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। जी आप कौन? टप्पू के पापा? मेरा बेटा टप्पू, उसके पापा। आप जिन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हो ना? कौन है वो इंस्पेक्टर जिसने चोर की जगह मेरे जेठिया को पकड़ लिया? अरे तुम लोग क्या नींद में अपना फर्ज निभाते हो? हैं? पता नहीं चलता कौन चोर है और कौन दुकानदार? लगता है ये जेठालाल जी के पिताजी हैं। अब तो अपना डिमोशन पक्का। शट अप। चाचा जी आप शांत हो जाइए। अरे गलती हम पुलिस वालों से भी हो सकती है, आखिर हम भी तो इंसान हैं। पाटिल ये तो वही चोर है ना? ए वही चोरे वाली,
यही चोर है। हाँ वही चोर है। अरे वही चोर है नहीं, यही चोर है। हाँ। चाचा जी आप शांत हो जाइए, आप सही कह रहे, यही चोर है। सुना, यही चोर है। इंस्पेक्टर तुम्हें नहीं, इसे बोलना चाहिए था। मुजरिम को छोड़ के मेरे बेकसूर बेटे जेठा को पकड़ लिया। बोल कहाँ है जेठा? वो बस तू ले ले, तू बोल कहाँ है जेठा? चाचा जी मेरी बात सुनिए, हमने जेठालाल को छोड़ दिया है, वो घर चले गए। हाँ क्या? टप्पू के पापा घर चले गए? चलिए बापू जी घर जाते हैं। हाँ चलो। एक मिनट, अरे आप लोग ये तो बताते जाइए कि आप लोगों ने इन चोरों को पकड़ा कैसे। मैं बताता हूँ। गरबा का चक्कर मारकर इन लोगों को चक्कर में उपाड़ दिया। जाओ अब जेल में चक्कर मारो। वाह मैडम जी वाह, आप लोगों की समझदारी और होशियारी के कारण ही ये चोर पकड़े गए, और हमारी वजह से जेठालाल को जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हो जाता है भाई, गलती हो जाती है। आप लोग भी हमारी कितनी रक्षा करते हो, कितने टेंशन में रहते हो, तो कभी कभार गलती हो जाती है। अरे ऐसे कैसे गलती हो जाती है? मेरा जेठा परेशान हुआ उसका क्या? हाँ। और भाई है, तुमने गलती से जेठिया को मारा भरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं चाचा जी, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको लगता है तो हम एक बार और माफी मांग लेते हैं। दया बेन, बड़ी बहादुरी से आप सभी ने इस गैंग को पकड़वाया है। हमारी ओर से आप सभी के इस वीरता के लिए हमारा अभिनंदन। थैंक यू। मैडम जी, इस चड्डी गैंग ने कब से पुलिस की नींद हराम कर रखी थी, अब हम लोग चैन से सो पाएंगे। आप लोग सो जाओगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? अरे बापूजी सुंदर, चलिए जल्दी घर जाते हैं, टप्पू के पापा घर गए हैं। बेटा माय डियर, गीता जी का कपड़े ले लेते हैं। कपड़े ला। बिना जाने दो ना, ऐसे उतरेले कपड़े कौन पहनेगा? गीता जी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। चलो। इन सबको रिमांड पे लो, इनकी वजह से एक बेवजह दुकानदार बहुत परेशान हुआ है। रिमांड बनाओ उनको। आगे थोड़ा आगे। बस बस भाई बस। हा, पहुंच गया घर पे, पहुंच गया। हाँ भाई कितना हुआ? 70 रुपए हो गए साहब। हाँ ये मेरा घर सामने ही है, मैं जरा लेके आता हूँ। ओ साहब, ज्यादा चालबाजी नहीं चले गया? उसमें चालबाजी क्या भाई? कल ऐसे ही हुआ, एक पैसेंजर ने मेरे को बोला घर पे जाके पैसा लेके आता है, और बाद में आया ही नहीं। क्या जमाना आ गया है, आदमी का आदमी पर से भरोसा ही उठ गया है। अच्छा एक काम कर भाई, तू मेरे साथ चल मेरे घर पे, बस दे देता हूँ चल। अरे नहीं नहीं, मैं रिक्शा छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा रिक्शा किसी ने चोरी किया तो? अरे भाई तेरी रिक्शा को कुछ नहीं होगा, या गोकुलधाम सोसाइटी है। अरे एक काम करो ना, आपका घर सामने है ना, तो फिर किसी को बाहर बुलाओ ना। अरे भाई कमाल आदमी है, समझने को तैयार ही नहीं हो तुम। हाँ नहीं समझने का मेरे को। जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे उत्तर देगा कि नहीं? ये जेठालाल ही था ना शायद, लेकिन ये मेरे को देख के रिक्शा में क्यों छुप गया? How do I know यार? अरे वो साहब उतरने का है कि नहीं? दो मिनट शांति रख, शांति रख। हे भगवान, ये अय्यरडी ने कहा मुझे इस साल में देख लिया, अभी वो काकी पंचायत करेगी, मैं इस साल में क्यों हूँ? पर अगर उसे गोडाउन और पुलिस स्टेशन वाली बात का पता चला तो वो पूरी सोसाइटी में मेरा मजाक बनाएगा।
क्या करूं? सुबह का न्यूज़पेपर आने से पहले ही जेठालाल पे एक नई मुसीबत और आ गई है भाई, क्या किया जाए। मानसून में जितनी बारिश आसमान से नहीं टपकती है उससे कहीं ज्यादा मुसीबतें एक रात में मेरे परम मित्र जेठालाल के पास टपक रही है भाई। ऐसा हाल किसी का ना हुआ, पहले गोडाउन में बंद, फिर हवालात में बंद, और अब ऑटो रिक्शा में बंद। भाई क्या किया जाए, वो भी किस हाल में, देखा है ना आपने। अब क्या होगा जब पूरी सोसाइटी सामने आएगी, और इस हाल में अगर जेठालाल को देख लिया तो होंगे बहुत सारे सवाल, और जब सवाल होंगे तो जेठालाल सोचेंगे भाई इस हालात से तो हवालात के पल ही अच्छे थे। और क्या क्या देंगे वो जवाब भाई। यहाँ सवालों और जवाबों के बीच में एक चीज तय है, अगले एपिसोड में ऑटो रिक्शा के मीटर से ज्यादा दौड़ेगा हंसी का मीटर आपके घरों में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.